नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया गया है, लोगों को कहा गया है कि घरों से नहीं निकलना है और काफ़ी तकलीफें आ रही हैं गांव खेड़े के लोगों लोग जो हैं, खाने पीने की तकलीफ है। उसी में जो सरकार ने जो योजनाएं जो लोगों को दी है उसका एक कड़ी के बारे में आज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मनरेगा के जो मजदूर थे उनको सरकार ने पैसे उनको अनुदानित किया हुआ है। लेकिन एक घटना ऐसी आ रही है जौनपुर ज़िले से, जौनपुर ज़िले के बरसठी ब्लॉक के मलाई गाँव, जी हाँ, बरसठी ब्लॉक के मलाई गांव से ऐसी खबर एक आ रही है कि जहाँ पर ग्राम प्रधान सिद्ध नारायण सरोज ने मजदूरों के पैसे उनके खाते से निकाल लिए और मजदूरों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आइए देखते हैं। बताओ भैया, नाम का नाम हो? इंटो। अच्छा, क्या समस्या भैया? समस्या है मतलब जनरेगा का पैसा, मतलब मनरेगा का। मनरेगा। अच्छा, क्या भाव था मनरेगा का पैसा में आपका? 4360 आ रहा। 4360 आपके खाते में आ रहा? अच्छा, कि तब का हुआ निकाला? ओके, निकाला 400 रुपये मिला रहा। 400 मिला रहा के आ रहा भैया आपके लगे? सिद्धनारायण सरोज आ रहे हैं। कहाँ का है सिद्धनारायण? लोग कहाँ पैसा भेजे है निकाल दे। अच्छा, पैसा भेजे है आपके खाते में निकाल ला, तो आप 4000 निकाला? 4360 निकाला। कितना मिला आपके? 400 आपके मिला, बाकी पैसा प्रधान ले लें सिद्धनारायण सरोज। कहा कहें कि हमारा हो? अच्छा ठीक है, कौन बात, बस और कौन दिक्कत? बोले माता जी, माता जी बोले, क्या नाम हो? हमारा नाम बजंती। बजंती मलाई गांव हो? हाँ। के प्रधान हो? लल्लू। मैं लल्लू। सिद्धनारायण सरोज? सिद्धनारायण। तो कब हो माता जी? अरे भैया निकलवाए पैसा, कहाँ चला पैसा निकाल दे। अच्छा, तू पैसा आँखी ना ही देखा। अच्छा, 300 रुपया उठा के दस्तखत ला लिए, आधार कार्ड पे के लिख लिए। अच्छा, 300 रुपया दिए। 300 आपके देहन, बाकी का निकाले का ना निकाले वो जानकारी ना है? बाकी जानकारी ना है। आपके खाते पैसा निकाल ले तो आपके ना मालूम पड़े? अब ना जानकारी बा तब का बताई। अच्छा, माने आपके बताऊंगा ना कि कितना पैसा निकाला खाते से? नहीं नहीं बताया। ये बताया ना कितना निकाले है? नहीं, खाली 300 आपके दे। खाली 300 दिए। अच्छा, ये हमेशा ही होता है यही हाल? नहीं है, निकलवाए रहे भदराव में तो भैया 2200 निकलवाए रहे तो 200 दिए रहे। अच्छा, एक दाई 150 दिए रहे। अच्छा, जाने अच्छा। तीन दाई हम पैसा, एक दाई आलमगंज में निकलवाए, 4 दाई पैसा उनका निकाले है। अच्छा, एक दाई 200 दिए हैं, एक दाई 200 दिए हैं, एक दाई 150 दिए हैं। अच्छा, ये पैसा आपको मिला? यही पैसा पाया। और बाकी सब चीज होता है आपके साथ है? राशन वासन मिला था? राशन भैया 15 किलो दिए। 15 किलो राशन मिला था? ये दाई फ्री में दिए रहे और पैसा जमा लागत है तो। अच्छा चलो ठीक माता जी। हाँ बोलो। अच्छा, क्या बात है? बात ये हुए कि पैसा सब दिन से ले चला आवत है नरेगा का, और 100, 200, 50 तिमाह दे ही सारा पैसा ले। अच्छा, कितना पैसा निकाला है आप खाता से? निकाला है खाते से यह समझते माने कि साल में तो हम जानते हैं ढेर पैसा निकाले हैं। अच्छा, अब उतना तो हिसाब हम दे नहीं पाए कितना पैसा निकाले हैं। नहीं अब यार यार हमारा पैसा हम ना निकाले। आए रहे हैं प्रधान आपके यहाँ? हमारे यहाँ आए रहे हैं, 2-3 दिन हमारे यहाँ आए। अच्छा, लेकिन हमसे भेंट है। अच्छा, कहाँ कहाँ आए थे? कहाँ कि पैसा निकालने की बात। अच्छा, निकाल के कहाँ करो पैसा? पैसा निकाल के हम आए प्रधान के। प्रधान तो पूछना है आपके पैसा हमारा हो तो आपकी कह दी कहें कि हम पैसा डाले हैं। अच्छा, नरेगा का पैसा हम डाले हैं, पैसा हमारा हो निकाल। अच्छा, हमें निकाल के दे दे पैसा। अच्छा, फिर ये करे बाद हमसे भेंट ना गए तुम्हारे के ना दे हुए उसे बात भाई तूने कहा कि पैसा तो हार कैसा ना हुए पैसा ना दे। अच्छा, तो उसे कहा तो है कि दोवा भर न दे, लेकिन फिर पैसा मान लेता एक दाई न दे धमकी खाता में उबे नहीं करे। धमकी वाली बात, धमकी वाली बात। चलो अच्छा ठीक है, आप बताओ। अच्छा, हम ऐसे ही नरेगा पैसा जब जब आ गया हाँ तब तब लेकर वाइफ हमसे लिएगा। अच्छा, हाँ
पहले जब इनका प्रधानी रही तब अब लल्लू को प्रधानी है तब अच्छा सब ले चला गया है। के हो प्रधान के हो अच्छा लल्लू पासी उनका पूरा नाम बताओ। सिद्धनारायण ला जानते रहे उनका नाम यह लल्लू पासी जानते ही सिद्धनारायण पासी प्रधान है। अच्छा अब यहाँ दाई पैसा निकलवाए कह रहे आज मेरे नरेगा पैसा चला दया निकाल के अब उन्हें निकाल के हम पैसा दे दिया वही माँ मार 200 रुपया हमारे ले लिए हैं और हमें 1270 रुपया निकाला तो उन्हें 150 रुपया हमें लिए है। अच्छा पैसा आपका 1270 रुपया निकाले नो खाता में से आपके। हाँ तो आपको पैसा कुछ रहा खाता में 480 रुपया रहा तो 280 रुपया 480 रहा माने आपको पैसा निकाल के ले ले हैं। आपके कहा दे 1270 निकाले तो 150 रुपया 150 आपके दे हैं। अच्छा कहा नाम है आपको? अच्छा हमारा नाम रिखाई है। अच्छा रिखाई चकमलाई मलाई 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 अच्छा ठीक आप बताओ चाची कहा नाम है बताओ। अच्छा चकमलाया मलाई मलाई में। अच्छा कितना निकलवाए आपसे? 2200 निकलवाए तो कितना देहन आपके? 200 आपके देहन और क्या कहें बाकी 2000 ले लेन क्या कहें कि मरेगा पैसा हमारा है। अच्छा पैसा ना जाएगा अब फार्म भर के दे भाई। अच्छा अच्छा ठीक बटे 3000 रुपया आ रहा हमारे बचवा के नाम। अच्छा वो घर निकल बाकी ले लिया है 3000 आपके लड़के को रहा। हाँ। अच्छा और फिर आगे हम जो है बटवा के आ जा 3000 हाँ। वो भी निकल बाकी ले लिया है। अच्छा एक ही मोला बहू है हमारे भाई ला गए वो के आ जा 3000 वो भी निकल बाकी ले लिया है। अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार तो मदद करने के लिए तैयार है, सरकार मदद भी कर रही है, लेकिन वो मदद आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और कितनी मुश्किल हो रही है ये अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सरकार को ऐसे घटनाओं पर सख्ती से कानून लागू करके इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जन विकास आवाज़ को इसी तरह देखते रहिए। मैं हर खबर हर गांव की खबर आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।